अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका। टका टक अंडा बनाने के लिए हमें एक प्याज चाहिए, उसे हमने चॉप कर लेना है। उसके बाद हमने दो लहसुन के जवे लिए हैं, उसको भी चॉप कर लेना है। एक भरे साइज़ का टमाटर लिया है मैंने, उसे चॉप कर लिया है। अगर एक भरे साइज़ का ना हो तो दो छोटे लेके उसे चॉप कर लें। दो हरी मिर्चें लेके मैंने उन्हें चॉप कर ली हैं। और आखिर में हम लोगों ने लिया है धनिया और इसको भी चॉप कर लिया है। तवा गरम करेंगे और इसमें दो टेबलस्पून ऑयल के डालेंगे। अब जाएगा जी इसमें चॉप हुआ हुआ लहसुन। लहसुन को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अब जाएंगे प्याज। एक चुटकी ज़ीरा डालेंगे अब हम इसमें। अब डालेंगे हम चॉप हुई हुई हरी मिर्चें। इन सारी चीज़ों को एक मिनट तक पकाने के बाद अब हम इसमें चॉप हुए हुए टमाटर डाल रहे हैं। दो टेबलस्पून के करीब हम इसमें पानी डालेंगे ताकि ये नीचे तवे के साथ लगे ना। स्पाइसेस में हाफ टी स्पून नमक, उसके बाद जी हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, उसके बाद हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, उसके बाद एक चुटकी के करीब सफ़ेद मिर्च, एक चुटकी के करीब दादर मिर्च। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। साथ ही जी इसमें चला जाएगा एक टेबल स्पून पानी। तीन अदद अंडे लिए हैं मैंने, इन्हें अच्छे से फेंट लूँगी। मसाला हमारा रेडी है, इसको हम अच्छे से चम्मच की मदद से पीस लेंगे या थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अंडे। तवे पे डालने के बाद आपने चम्मच की मदद से इसे अच्छी तरह मिक्स करते रहना है ताकि अंडे के पीसेस हो जाएं और अंडा तवे के साथ चिपके ना। ये अच्छी तरह से हो गया है, अब हम इसमें धनिया डाल देंगे।